ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनना चाहिए, नहीं तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के पन्ना को धारण करने के क्या नियम है और राशि अनुसार कैसे पन्ना धारण करें जिससे बुध की भी कृपा बनी रहे। एक रत्न जो एकाग्र कर देगा आपका मन। एक रत्न जो बदल सकता है आपका जीवन। पन्ना बुद्धि को प्रखर बनाता है और इससे एकाग्रता बढ़ती है। मानसिक शांति दिलाता है पन्ना। पन्ना धारण करने से व्यक्ति की धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वो अपने कार्य, कारोबार या रोजगार में सबसे आगे रहता है। साथ ही पन्ना वाणी में शीतलता प्रदान करता है, इसलिए सबसे मधुर संबंध कायम होते हैं। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार पन्ना रत्न अगर शुभ फल देने की शक्ति रखता है तो अशुभ फल भी दे सकता है। इसलिए बुध के इस रत्न के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ नियम और सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बुध का रत्न धारण करने की सही विधि क्या है। देखिए, प्रत्येक रत्नों को धारण करने के लिए एक ही नियम है। जब आप उसको बनवा कर ले आएंगे तो कम से कम 12 घंटे कच्चे दूध में पड़े रहना चाहिए। उससे दूध से निकालकर गंगा जल से शुद्ध करके उसका पूजन करके उस ग्रह के बीज मंत्र का जितना हो सके कम से कम एक माला उस बीज मंत्र का जप करने के उपरांत गणेश जी को स्पर्श करा करके कनिष्ठिका उंगली में पन्ना को धारण करना चाहिए। पन्ना जितना ज्यादा हरा हो उतना ही अच्छा होगा। पन्ने को चांदी में या सोने में कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। पन्ने को बुधवार को प्रातः काल धारण करना चाहिए। पन्ने के साथ मूंगा और मोती धारण नहीं करना चाहिए। पन्ने के साथ हीरा या ओपल पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। बुधवार को पन्ना धारण करने से पहले उसे गाय के दूध में कुछ देर के लिए रखें और उसके बाद भगवान के पास चढ़ाएं। फिर कुछ देर बाद इसको गंगा जल से धोकर पहन लें। इस रत्न को धारण करने से पहले ओमकार मंत्र का जाप करें। कोई भी ग्रह जिस भी राशि के होंगे बुध की महादशा चलनी चाहिए और बुध में या अंतर हो प्रत्यंतर हो उस समय भी पहन लेना चाहिए। ये वो अलग है कि लोग कहते हैं इस राशि वाले नहीं कभी पहन सकते। मान लीजिए उसकी कुंडली में उस समय आवश्यक है तो पन्ना पहनना आवश्यक है। उसको तभी लाभ मिलेगा जब व्यक्ति पन्ना पहनेगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूरी रखनी चाहिए। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी धारण न करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं, उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। जैसे हमारे लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है या स्मरण शक्ति कम हो रही है या पेट में किसी तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है उस समय पन्ना धारण करना चाहिए। लेकिन पन्ना कितना पहनना चाहिए ये उसके आयु एवं उसके वजन, व्यक्ति का कितना वजन है, ये इस तरह से किसी दैवज्ञ से मिलकर के वो बता देगा कि पन्ना कितने रत्ती का धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से
त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं। लेकिन जब पन्ना लाभ की जगह हानि पहुंचाने लगे तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये त्वचा में समस्याएं दे सकता है। ये आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। अगर आप बुध के रत्न से शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पन्ना धारण करने से पहले जानकारों की सलाह जरूर लें, क्योंकि गलत लग्न और राशि में पन्ना धारण करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो देखा आपने, पन्ना कैसे आपकी तमन्ना पूरी कर सकता है। आगे जानेंगे कि आपने जो पन्ना धारण किया है वो असली है या नहीं, कहीं वो कांच का टुकड़ा तो नहीं। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि पन्ना पहनने से चिंता से मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मन शांत और एकाग्र रहता है। तो आपको बताते हैं कि असली और नकली पन्ना में क्या फर्क है और वो कौन सा उपाय है जिसे करके आप अपने कारोबार को चमका सकते हैं। रत्न वाकई कारगर होते हैं। ज्योतिष विज्ञान कहता है, रत्नों को धारण करने से लोगों की समस्याओं का अंत होता है। रत्न हमेशा ज्योतिष की ही सलाह पर पहनना चाहिए, वो भी पूरा शुद्ध। तो चलिए अब जानते हैं कि जो पन्ना आप खरीद रहे हैं वो वाकई असली है या फिर महज कांच का टुकड़ा है। असली पन्ना दिखने में घास की तरह हरा और मखमली होता है। असली पन्ना पारदर्शी होता है, इससे आर पार आसानी से देखा जा सकता है। छूने पर ये चिकना और वजन में काफी हल्का होता है। इसके ऊपर पानी की बूंद डालने पर बूंद यथावत रहती है। शीशे के ग्लास में पानी भरकर पन्ना रखने पर हरी किरणें निकलती दिखाई देती हैं। लकड़ी के ऊपर रगड़ने से इसकी चमक और बढ़ जाती है। तो चलिए अब वो उपाय भी जान लें जिसे अपनाकर आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं, अपना रुका हुआ धन हासिल कर सकते हैं। आम तौर पर बुध के कारण कारोबार और धन के मामलों में धोखा मिलता है। बुध के खराब होने पर व्यक्ति धोखा पाता भी है और देता भी है। लिखा पढ़ी के मामले में हमेशा सावधानी रखें। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके काम करें। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है, बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें, जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का अंत भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।